आज के इस वीडियो में जानेंगे, अगर आपके पास कोई भी पुरानी सामान है और आप उसे यूज़ नहीं करते और आप उसे बेचना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ओएलएक्स से हम पुराने सामान को आसानी से बेच सकते हैं। तो मेरे पास एक सेल्फी स्टिक है और आज हम इसे ओएलएक्स पे बेचेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और सारा प्रोसेस आपको करके दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप मोबाइल का ट्यूटोरियल देखें तो अपने फ़ोन की आप स्क्रीन बड़ी कर लें, जिससे आपको एक अच्छा व्यू मिले। ओएलएक्स ओपन करना है, ओएलएक्स आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले ओएलएक्स पे आपको अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाना बहुत आसान है, ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाता है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, यहाँ पे आप कई चीज़ें देख सकते हैं। आपको कई सारे लोग सामान अपना सेल करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमें बेचना है तो बेचने के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा आइकन दिखता है सेल, तो इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका कौन सा सामान है, कौन सा कैटेगरी का सामान है। तो मेरा जो है इलेक्ट्रॉनिक और अप्लायंस का कैटेगरी का सामान है। अगर आपके पास कोई और चीज़ें तो मोर कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस मुझे देखने को मिला है, जैसे टीवी, ऑडियो वीडियो, किचन, अदर कंप्यूटर्स, लैपटॉप। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे गेम्स एंड एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक टाइटल देना है, तो यहाँ पे आपको टाइटल लिख देना है। तो टाइटल मैंने लिख दिया सेल्फी स्टिक। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि आप कौन से पार्ट सही है, जो भी डिटेल है उन प्रोडक्ट के रिलेटेड आप उसे लिख दें। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके का डिटेल लिख दिए हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो फ़ोटो अपलोड तो अलाउ करने के लिए मांग रहा है, तो चलिए अलाउ दे देते हैं। तो यहाँ पे मिल जाता है जिस भी प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हैं उसका फ़ोटो अपलोड करने के लिए। तो अगर आपने फ़ोटो क्लिक करके रखे हैं तो यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करके वो फ़ोटो चूज करेंगे। अगर आपने क्लिक नहीं किया तो टेक या पिक्चर पर क्लिक करके फ़ोटो को क्लिक करेंगे। तो हमने फ़ोटो पहले से क्लिक कर रखे हैं, तो चलिए मैं फटाफट से वो फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। तो ये मेरा फ़ोटो रहा, तो मैं चारों फ़ोटो पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं जल्दी से अपलोड करता हूँ। तो डन पे क्लिक करता हूँ, दोबारा से डन। उसके बाद ये तो यहाँ पे ये फ़ोटो आ चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो दोबारा से यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइस का ऑप्शन आ जाता है। तो चलिए मैं प्राइस यहाँ पे 100 रुपये रख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये लोकेशन पूछ रहा है, तो ये लोकेशन ऑटोमेटिक ये ट्रैक कर लिया है कि यही लोकेशन है या फिर कोई दूसरा लोकेशन। तो यही लोकेशन है मेरा, तो अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके जो भी लोकेशन आपका है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये मेरा ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है, तो चलिए मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक नाम आएगा और आपका नंबर आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पोस्ट नाउ पे क्लिक करना है। तो पोस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ देर के बाद ये पब्लिश हो जाएगा। आगे कॉन्ग्रेचुलेसन, योर एड विल बी गो शॉर्टली। तो यहाँ पे ऐड हमारा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका ऐड कैसे पब्लिश हुआ, तो यहाँ पे प्रीव्यू ऐड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो ऐड है वो इस तरीके से दिखेगा ओएलएक्स पे। किन किन लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने देखा है, यहाँ पे आपका व्यूज़ आएगा, जो आँख के निशान यहाँ पे आपको दिखेगा। किन किन लोगों ने आपके प्रोडक्ट को लाइक किया है वो यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आपको नीचे सारा डिटेल दिखेगा, आपका फ़ोन नंबर, आपका मैप, आपका किस जगह से हो, ये यहाँ पे सारे डिटेल दिख। आप अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचना चाहते या फिर कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ओएलएक्स पे आना है और माई ऐड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी एक्टिव हो चुका है, यानी कि जो लोग सेल्फी स्टिक सर्च कर रहे होंगे तो मेरा प्रोडक्ट भी वहाँ पे दिख जाएगा मेरे लोकेशन के अनुसार। तो अगर आप चाहते हैं बंद करना और चाहते हैं इसे यहाँ से हटाना, आप नहीं बेचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेगा एडिट। अगर आप चाहते हैं आपके प्रोडक्ट में कोई गलती हुई है और आप उसे सुधार करना चाहते हैं तो एडिट वाले ऑप्शंस पे जाके सुधार सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को डीएक्टिव करना, अगर कोई ना देखे, तो उसके लिए सबसे पहले आप डीएक्टिव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये डीएक्टिव हो जाएगा, अब ये किसी को नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हैं हटाना तो यहाँ पे आप डिलीट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो ये कुछ प्रोसेस था ओएलएक्स पे बेचने से रिलेटेड। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।